हेलो मरिजन, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आई होप सब अच्छा होगा। जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे, बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से आपका अमित भाई लेके आ चुका है मिथ बस्टर का एक और नया और एकदम फ्रेश वीडियो। जी हाँ, एंड हमेशा की तरह मुझे यकीन है ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक करते जाइए, बिल्कुल भी भूलिए नहीं। 5000 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो पर, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही हमारे वीडियो पर 5000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो हम आपको डीजे आलोक गिफ्ट करते हैं। और हाँ भाई, अगर आपको भी डीजे आलोक चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में बीच में मैं कहीं भी 5 डिजिट का कोड दूंगा, उसे आपको अपनी फ्री फायर आईडी के संग कमेंट करना है एंड मैं रैंडमली कमेंट को लूंगा और आप में से किसी एक को डीजे आलोक दे दूंगा। जी हाँ, तो चलिए बहुत हो गई डीजे आलोक की बातें, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज का पहला मिथ है, अगर आप दो इमोट को एक साथ क्लिक करेंगे तो आपको दो इमोट एक साथ ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऐसा है? यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि दो इमोट एक साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? I'm sure ये मिथ बस्टर्ड होगा बॉस, लेकिन चलिए जैसा कि इन्होंने लिखा है तो ट्राई करना बनता है। ओके, ये मैं आ चुका हूँ इमोट वाले सेक्शन में और अब चलिए मैं एक साथ दो इमोट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो सच में दो इमोट एक साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं। अमेजिंग यार, ये तो कमाल है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही के साथ ऐसा है, यहाँ मैंने आपको 2 से 3 अलग अलग इमोट करके दिखाए हैं, दो इमोट एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ये मिथ सच में कमाल है। सो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। अगर आप घर की छत से टायर के ऊपर जंप करेंगे तो आप दोबारा उसी घर की छत पर रिटर्न पहुंच जाएंगे, ना कि इधर उधर गिरेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर हम टायर के ऊपर जंप करते हैं तो जरूरी है हम उसी घर की छत पर गिरे? ये करके देखना होगा। चलिए ये करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं आ चुका हूँ यहाँ और मैं हूँ इस घर की छत पर। इसे आप झोपड़ी बोल सकते हैं, कुछ और ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं। सो चलिए हम इस घर के नीचे रखे हुए टायर पर जंप करता हूँ, ठीक है। अरे हाँ यार, मैं जितनी बार भी टायर के ऊपर जंप कर रहा हूँ मैं रिटर्न वापस इसी घर की छत पर आ रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर आपको ये टायर दिखता है एंड आप उसके ऊपर जंप करते हैं तो आप उड़कर वहीं जाएंगे जहाँ पहले से ही फ्री फायर में फिक्स कर रखा है। ये पहले से ही फिक्स होता है, अगर कोई भी इंसान किसी टायर पर जंप करता है तो उसे किस डायरेक्शन में और कहाँ जाना है सब कुछ फिक्स है। सो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। अगर आप फ्री फायर की लैंग्वेज हिंदी कर दें तो फिर कोरोनो कैरेक्टर भी हिंदी बोलेगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर फ्री फायर में कोई कैरेक्टर हिंदी बोलता है तो वाकई मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर ऐसा हुआ। तो चलिए इसको हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने कर दिया है लैंग्वेज को हिंदी और अब लेते हैं कोरोनो कैरेक्टर को एंड चलिए कुछ बुलवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बैटल ज्वाइन करो और लेजेंड बन जा, किसी चमत्कार पर नहीं मुझ पर भरोसा रखो। बेस्ट बनने के लिए बेस्ट करना होगा, किसी चमत्कार पर नहीं मुझ पर भरोसा रखो। बैटल ज्वाइन करो और लेजेंड बन जा। ओह माय गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार, ये कैरेक्टर हिंदी बोल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा वाकई में। ओके, अब चलिए अंदर कलेक्टर के साथ भी ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या अदर कलेक्टर भी हिंदी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अरे नहीं यार, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कोरोना कैरेक्टर के साथ ही है, सिर्फ वही हिंदी बोलता है, बाकी नहीं बोलते। लेकिन जो भी है, अमेजिंग है यार, एक इंटरनेशनल गेम में कैरेक्टर हिंदी बोल रहा है, वाकई में इससे ज्यादा और क्या प्राउड की बात हो सकती है। सो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। लैंडिंग करते वक्त भीमा शक्ति टावर के मिडिल में लैंड होने की कोशिश करिए और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप भीमा शक्ति टावर के चारों ओर दौड़ते हुए नीचे आराम से आ जाएंगे। वैसे मैंने इससे पहले भी भीमा शक्ति टावर का एक मैथ अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, सो ट्राई करना बनता है। वैसे आज काफी अमेजिंग मैथ मिल रहे हैं यार ट्राई करने को, आप लोग ऐसे ही लिखते रहिए अच्छे अच्छे मैथ,
मैं जरूर अपनी वीडियोस में लेने की कोशिश करूंगा। ओके, मैं प्लेन जंप कर चुका हूं और अब कोशिश करता हूं इस टावर के मिडिल में लाइन होने की। ओह यस, मैंने कर दिखाया। अब स्मिथ के अकॉर्डिंग मुझे टावर के चारों ओर दौड़ते हुए नीचे उतरना है। हाँ यार, इस तरह मैं बिना एचपी गवाए नीचे आ गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टावर पर दौड़ते हुए नीचे जरूर आ जाऊंगा। वेल, ये वाला मिथ कंप्लीट हो चुका है एंड काफी अच्छा मिथ था ये। सो दिस मिथ इज कंफर्म। अगर आपके पास ये मिथ्स है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं जरूर लूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका ये जो सपोर्ट है हमें बहुत मोटिवेट करता है। संग में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।